मिर्ची बॉलीवुड। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की नई फिल्म हिचकी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। सिर्फ 20 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई ये फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही अपनी लागत निकाल चुकी थी और पहले 4 दिनों में 17 करोड़ 75 लाख रुपए कमा चुकी है। अगर फिल्म के 4 दिनों के आंकड़ों के बनाए गए रिकॉर्ड की बात करें तो इसने अब तक इस साल रिलीज हुई 6 फिल्मों के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पार कर लिया है। इन 6 फिल्मों में अयारी, 1921, मुक्काबाज, कलाकांडी, वेलकम टू न्यूयॉर्क, दिल जंगली जैसी फिल्में शामिल है। कहना गलत नहीं होगा कि रानी ने सोनाक्षी और तापसी की फिल्मों को जबरदस्त मार दी है। अगर ट्रेड पंडितों की बात की जाए तो उनका मानना है कि रानी मुखर्जी की ये फिल्म बहुत ही जल्द हेट स्टोरी 4 और परी को पीछे कर देगी। आपको बता दें इस समय बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की रेड और कार्तिक आर्यन की सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्में भी चल रही है। इनके सामने भी रानी की फिल्म बेहतरीन आंकड़े दर्ज करा रही है। ये दोनों ही फिल्में साल की टॉप 5 ग्रॉसेस की लिस्ट में शामिल है। अगर दर्शक इन दोनों के सामने भी हिचकी को देखने थिएटर का रुख कर रहे हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि रानी की फिल्म की कहानी जरूर ही लोगों के मन को भा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि फिल्म आने वाले दिनों में कितने करोड़ों का कारोबार करती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।